क्या कह रहे हो गुरु जी? ठंडी लग रही है, नहा के गर्मी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ठंडा पानी होगा यहाँ का तो। देखते हैं यहाँ पे कैसा है सीन, माहौल कितना ठंडा है, कितना गर्म है। ओहो, जय हो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सब बड़े बूढ़े लोग क्या है इस वाले घाट में नहाएंगे, और हम सब लोग हैं वो थोड़ा दूर जा रहे हैं। मैं की भैया शिवम सनी और देवेश वो दूसरे घाट पे जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा मजा आता है नहाने के लिए। जो पहले भी मैं हरिद्वार आ चुका हूँ तो वहीं नहाता था, तो अब यहाँ पे सब लोग वैसे नहाएंगे। ताऊ जी वगैरह, मौसा जी वगैरह सब लोग यहाँ आएंगे, काका जी वगैरह सब लोग नहाने के लिए चले गए, अब हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे। क्या अच्छा था नल है, और इसमें बोतल की सुविधा देख सकते हो। अब क्या स्थिति है यहाँ पे इस नल की, बहुत सुंदर। पानी बड़ा वेस्ट नहीं करना, पीना है पानी। हम लोग आ गए हैं इस वाले घाट पे यहाँ पर, जो कि बहुत ही सुंदर घाट है, देख सकते हो आप। और हम जा रही है ना, बहुत लंबी, कितना पानी सूख गया है यहाँ पर। चार डब की बात जाओ जाओ। ए भैंस ही कर रही है। आज जय श्री राम। ठंड काफी है जो कि सही नहीं जा रही है। कपड़े चेंज कर लिए भाई, कपड़े पहन लिए हैं, ब्लैक लोवर, और सब लोगों ने ड्रेसअप चेंज कर लिया अपना अपना। अब यहाँ से निकलते हैं, नहा लिए, बहुत मजा आया है। अब एकदम शांति मिली है, थोड़ी गर्मी सी भी लग रही है, मतलब गर्मी नहीं, मतलब मौसम नॉर्मल लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा ज्यादा, जो कि पहले बहुत ठंड लग रही थी, जब कूदते बहुत ज्यादा ठंड थी, तो बहुत मजा आया नहाने में। और अब यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं अब क्या करने वाले हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। देखते रहिए घुमक्कड़ का पेल। दोस्तों अब तो नहा लिए, देखो नहाने के बाद क्या होता है, बहुत तेज भूख लगती है, वो सबको पता होगा कि भूख कितनी देर लगती है, तो इसलिए हमने तो बताया था कि हम नाश्ता भी नहीं करके आए थे मैं और देवू, तो अब तो बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि ये तो अपना नाश्ता वास्ता फूल खा पी के आए थे, क्यों भाई शिवम खा पी के आए थे ना, तो हम नहीं खा पी के आए थे, तो भूख लग रही है बहुत तेज। तो अब देखते हैं कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाए अच्छा सा, तो कुछ भोजन ग्रहण कर लें और फिर कुछ पेट में डल जाए, तो फिर मजे लेते हैं हरिद्वार के। सब कुछ हो गया, कपड़े चेंज कर लिए, सब कुछ हो गया, सब लोग नहा लिए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं घाट पे से। ये थी गंगा जी, और यहाँ से अब निकलने के लिए हम रेडी हो गए, सब लोगों ने अपनी अपनी स्लीपर्स पहन ली है, जो कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलते हैं गाइस यहाँ से, आइए। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहे हैं?
अच्छा बेटी बताओ, हम तो हरिद्वार में इस समय आएंगे आएंगे लौटी के तरफ व्यवस्था करेंगे, ठीक है। भोजन के लिए व्यवस्था सेट हो गई है, तो यहाँ पे हमारे एक लाखा बाबा हैं, वो हमारी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आओ देखते हैं भोजन के लिए क्या व्यवस्था है। कोई काम हो तो हमें बता दें, हम करा लेंगे। तो जो आप कह रहे हैं वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, सब काम हो गया, सब्जी बन गई, रायता बन गया, कढ़ी बन गई, दाल बन गई, अब आटा बन गया, अब चूल्हे में आंच भर के अब बस पुलाव बना रहे हैं। सब मामला रेडी है ना, फिट सब मामला रेडी है, तुम तैयार हो जाओ, चूल्हे में आंच भरा रहे बाबा बजाए थे, फोटो खिंचाएंगे काका हैं। चलो तो लठिया पकड़ेंगे, निकालू जी देख लियो, आ जाओ घर मेरा बाप है। हाँ हाँ निक्की शिवम निक कुर्सी उधर रखना, बैठ के खिंचवाएंगे, बैठ के कुर्सी पे आराम से, काका आराम से सीटी है। चल लो तो बढ़िया है, अरे सब बढ़िया है, नया बैठ जाएगा काका जी कुर्सी, बैठ जाओ बैठ जाओ काका, यो उल्टे बैठेंगे फिर तुमने घूमो घूमो आए तुम बस आजमी गम्मा भाई गंगा जी भाई बैठ गए ठीक है भाई। हम लोग ना एक माला लेने चले गए थे, तो माला लेके आए, मतलब मम्मी जपती है ना कुछ तो माला वाला, तो वो एक माला लेके आए रुद्राक्ष की, तो हमें तो भूख लग रही है, जो लग रही है वो तो कोई बात ही नहीं है, पर सामने जो सब लोग बैठे हुए हैं ना वो तो इतना इंतज़ार कर रहे हैं भाई खाने पीने का, जल्दी से खाना वाना आ जाए और मतलब फ्री हो जाए, मतलब खाना खा के एकदम मतलब बढ़िया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं एकदम खाना पीने खाने के लिए, वो सब आपको इस तरफ मिलेंगे देखने के लिए, ये रहे सब लोग बैठे हुए हैं बढ़िया तरह से। मैं इसको आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि क्या वेट किया जा रहा है खाने के लिए। भैया खाना पीने का क्या हुआ, तैयार आ रहे हैं शिवम, खाने की तैयारी चल रही है, चल रही है बस आ रहा है खाना। फोटो खींचूं क्या चश्मा चश्मा लगा के, अरे खिंचवा लो, भोजन की तैयारी हो गई है बिल्कुल, बैठ गए खाने पीने के लिए, सामने ताऊ जी खड़े हुए हैं, उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, तो खाने में देखते हैं क्या क्या आता है और खाते हैं। आज महाराज जी के आश्रम में बगल नहीं है वो कड़ी बाजरा और जो काका बता रहे तुम बिहार उड़ीसा के कैसे मातम आए, कब वहाँ में कर ले हो तो बूंद नहीं फैले। रख दो भाई, खा पी के सेट हो गए, चेहरे पे स्माइल आ गई भाई,
मैं तो सब लोगों की बता रहा था कि ये लोग वेट कर रहे हैं, पर हकीकत बताऊं तो सबसे ज्यादा वेट मैं ही कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि यार इतना देर रुका नहीं आता, क्योंकि नाश्ता वास्ता तो कुछ हो ही जाता है, कुछ नहीं था, वहाँ पे चाय पी के आ गए थे, वैसे नाश्ता भी नहीं करके आए थे, तो उससे ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती थी। और मैं उन सब लोगों को कह रहा था कि ये लोग वेट कर रहे हैं, पर वाकई में वेट मैं कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब खाना पीना खा के एकदम सेट हो के बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि सब लोग अभी ऊपर हैं, खाना पीना खा लिया, सब लोग नीचे उतर के आ रहे हैं, तो अब घूमते हैं थोड़ा, बहुत चिल मारते हैं और फिर निकलते हैं आगरा के लिए। देखते रहिए घुमक्कड़ का पहल। अरे चार ही मिनट खा ले। कितने चार खा ले? मैंने तो ही चार पांच खींच दी, चार पांच तो आराम से आ गई होंगी भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। गर्म होती नहीं तो एक भी अच्छी होने का रहती। हाँ, मजा आया खा में, बढ़िया एकदम स्वाद लगा है। बहुत मजेदार, मतलब एकदम। और सुनो भैया, बाबा ने सब चीजें बना दी है, और सुनो कड़ी और वो दोनों चीज टेस्टी थी। भाई भाई सनी का कहना क्या है? हाँ भाई सनी, सनी जल्दी बता, जल्दी तो बता, इसका कहना ये है, बताइयो, बता दो, बता, इसका कुछ कहना है तुम लोगों से? भाई ये कुछ कहना चाह रहा है, पर ये कह नहीं पा रहा, शर्म लग रही है, मैं कह रहा हूँ कह, 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 कह ना, क्या होगी, सब अपने घर वाली हैं, सब बोल। भाई ये फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है भाई, यूट्यूब फैमिली है ये, चल बोल, बोल ना भाई, इसकी मैं बोल दूं भाई, ऐसा हुआ है, मैंने ये मतलब ये बोल रहा था कि अरे हम क्या फालतू आए, ऐसा ना भैया का फोन आ गया, वो ये बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ वरना हम छोड़ छोड़ के चले जाएंगे और तुम कहाँ डोलने चले जाएंगे, जे वो मैंने चलो आ रहे थे, ये बात इसको मालूम पड़ गई सनी को, तो सनी ये कह रहा है भाई क्या हम क्या नहाने आए थे यहाँ पे सिर्फ गंगा जी में, अरे यहाँ बहुत सारे काम करने आए थे, घूमने फिरने, और आज दोपहर, बोल भाई बोल। अरे यार सनी रिंद यार, ऐसी कहावत है गई है, नाराज चल लो हम तो भाई। क्या कह रहा है? सही टाइम पे घर से चले जाओ, सही टाइम पे यहाँ पे चल रहे। हाँ तो एक दिन हो तो क्या पूरा, अब क्या करना है यहाँ पे? पहुँचे कितने शाम को पहुँचे हैं? तो कितना घूमना है भी बता, कितनी अर्जी लिखवा दूँ उसमें, कर दूंगा उसमें रजिस्टर में चढ़ा दूंगा कि एक दो दिन और रहें, बता बोल। कल चलेंगे, पास से बोल, कल चलेंगे भाई, कल की बोल रहा है, बताओ क्या करना है, इसकी बात माननी है या नहीं माननी है? हम लोग आए हैं लाखा बाबा के आश्रम पर, जहाँ पे हमने खाना खाया था ना लाखा बाबा, ये हमारे अंगूठी के गांव के पास कहीं है ये, तो इन्होंने आश्रम लिया यहाँ पे कुछ दिन पहले ही अभी, तो ये है जो आश्रम लाखा बाबा का, जो कि हम यहाँ पे आए हैं दो ऑटो में, मतलब रिक्शों में हम सब लोग आए बैठ के, तो देखते हैं चलो। बैठूंगा पहले,
जिला देहरादून ठीक है। आराम किया जा रहा है, आराम फरमाया जा रहा है। माँ गाजियाबाद के और वहाँ पे सस्तो है ना सब चीज भाई। लाखा बाबा के आश्रम पे से भी आ गए हैं यहाँ पे हम लोग। अब ये दोनों रिक्शे खड़े हुए हैं, सब लोग उतर गए हैं, पैसे दे रहे हैं इन लोगों को। और फिर अब देखते हैं वो आश्रम पे जा रहे हैं, गुरुजी के आश्रम पे। और फिर वहाँ से गाड़ी वाड़ी जो खड़ी करी थी कल, तो वहाँ से देखते हैं या तो निकल रहे हैं अभी या फिर नहीं निकले तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस बने रहिए घुमक्कड़ का बिल में। विद्यार्थी कहें आप यहाँ तीन अब जा रहे हैं यहाँ से गाइस। सब आश्रम घूम लिए हैं, लाखा बाबा वाला आश्रम घूम लिया, गुरुजी का आश्रम, यही गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सब लोग बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधे यहाँ से आगरा के लिए जा रहे हैं। और बीच में रुक सकते हैं क्या कहते हैं गाजियाबाद में भैया के घर पे, तो गाजियाबाद में रुके तो वहाँ दिखाऊंगा और रास्ते में थोड़ा सा दिखाता चलूंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए घुमक्कड़ का बिल। चलो तो गाइस हम तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। सब रेडी हो भाई? बैठ जाओ। चलो भैया, तो कौन कौन बैठा है इसमें, कौन कौन बैठा है? सनी, शिवम और देवेश और मैं और भैया। तो हम तो निकल रहे हैं भाई यहाँ से, सारा प्रोग्राम हो गया है, सब कुछ हो गया, तो सब यहाँ से निकलने की देर है। दूसरी गाड़ी भी रेडी। भाई देख रहे हो शेर बैठा हुआ है भाई, भाई शेर है। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब भैया गंगा जल उठाएंगे यहाँ से। आप लोगों को ये तो गया नहीं, गंगा जल की कट्टी वगैरह जो थी, जो भी सामने लंगूर बाबा बैठे हुए हैं, ये जो हमारी कट्टियाँ वगैरह जितनी भी थी, वो हम जो लाखा बाबा के यहाँ पे खाना खाया था यहीं पे रह गई थी, क्योंकि भर के ले जाए नहीं थी हम लोगों को यहाँ से भरकर, तो वो हम भर के यहाँ से लेके जाएंगे, फिर दोबारा गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस बस इतना सा और है, ले लेते हैं यहाँ से अपनी गंगा जल की कट्टी सब लोग और फिर चलते हैं यहाँ से। वो लास्ट पर गंगा जी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। अब ये लास्ट है मेरा जो कि गंगा जी के मैं दर्शन कर रहा हूँ और फिर यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं, चलते हैं गाइस यहाँ से। अब भाई सीधे हरिद्वार से गाजियाबाद आ गए, गाजियाबाद में मौसा जी के यहाँ पे, नीरज भैया के मतलब शिवम के यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में क्या क्या ये देख सकते हो, नमकीन और चाय का नाश्ता चल रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है, चाय और नमकीन का आप सबको पता होगा। तो अभी चाय नमकीन खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज रुक भी सकते हैं, अगर रुके तो
तो देख सकते हैं मैंने इसकी अर्जी लिख दी थी ना सनी की कि आज रुक सकते हैं, तो आज रुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुके तो भी अच्छी बात है, घर पहुंच जाएंगे। और गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग ना रात को यहीं रुक गए थे, देख सकते हो जी रहे हैं, रात को रुक गए थे, मुझे पता था कि शायद रुक सकते हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि रुक भी सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात रही, सनी मैंने कहा बहुत अच्छा मन लगा, तो अब लोग हम चाय पी रहे हैं, तो बस चाय ख़त्म होने वाली है हमारी, और सीधे काका ने ऑर्डर दे दिया कि 7 बजे सीधे गाड़ी में बैठ जाओ और निकल जाओ यहाँ से, तो देखते हैं 6:40 तो हो गई हैं, 20 मिनट बची हैं, 20 मिनट में कौन कौन यहाँ से निकलता है और कौन कौन रह जाता है, तो देखते रहिए घुमक रखबेल। भाई अभी तो दिन भी नहीं निकला, अभी कम से कम दिन तो निकल जाएगा, जब तो चलेंगे यहाँ से, दिन निकला नहीं, चलो चलो चलो, तो चलते हैं देखते हैं। भाई शिवम तो रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए और हम रेडी हो गए आगरा जाने के लिए, पर वो छोटा वाला सनी वो नहीं रेडी हो रहा, जल्दी उठ जाए भाई, रेडी हो जाए। भाई जा रहे हैं आगरा के लिए, रेडी हो गई है गाड़ी द्वारा से और सब लोग निकल रहे हैं और चलते हैं आगरा के लिए, और ये व्लॉग यहीं पे आज खत्म हो जाएगा गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय। सनी मन ना लग रहा, देखियो इधर देखियो सनी, घर जाते हुए सभी लोग, सनी रोए मत चल, रो चल रहा भाई, रो रहा बांध ले, back to home bye bye।